नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या सिंह तिवारी। दिल्ली का चुनाव परिणाम कईयों के लिए या बहुत सारे लोगों के लिए अप्रत्याशित हो सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो दिल्ली को जान रहे थे, समझ रहे थे, केजरीवाल सरकार के काम को जान समझ रहे थे, उन्हें ये लग रहा है कि रिजल्ट इससे भी बेहतर हो सकता था। खैर, राजनीति में हो तो कुछ भी सकता है। जो रिजल्ट आया है ये वाकई में अप्रत्याशित सा लग रहा है, तो इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। जब से ये परिणाम आया है, चुनावी पंडित जुट गए हैं इसके कारण बताने में, यानी कि बीजेपी के हार के कारण बताने में और आपके जीत के कारण बताने में। यूं भी कहा जाता है कि हार के हजार कारण होते हैं और जीत के भी ढेरों कारण होते हैं। वही जब आदमी जीत जाता है तो एनालिसिस का तरीका बदल जाता है, और हार जाता है तो एनालिसिस का तरीका बदल जाता है। लेकिन एक आम आदमी के लिए ये सवाल तो उसके जेहन में उभरता है कि इसका क्या संदेश है। क्या ये मान लिया जाए कि जो पीएम मोदी हैं उनके आभा मंडल का क्षरण होने लगा है, ये मान लिया जाए। बीजेपी जो अभी तक राजनीति करती रही है उसे लोग नकारने लगे, इसे मान लिया जाए। तो इसमें जो है, मेरा अपना मानना है कि ऐसा मानना बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी करना होगा, ऐसा नहीं है। सबसे पहले इसके लिए आंकड़ों के हवाले से देखते हैं कि क्या हुआ था इसके पहले दिल्ली में। तो 2017 में एमसीडी का चुनाव हुआ था। 2017 में जब एमसीडी का चुनाव हुआ तो बीजेपी को 36.08% वोट मिले थे, लेकिन जब 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो ये आंकड़ा सीधे 20% बढ़ा और 56% पहुंच गया। और जब 2020 में असेंबली इलेक्शन हुआ तो फिर ये लगभग आप कह सकते हैं कि 18% के आसपास कम हुआ और 38.51% पे आ गया। आम आदमी पार्टी का ठीक इसी तरीके से एमसीडी के 2017 के इलेक्शन में 26.23% था। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में जो है 18.1% था, और असेंबली इलेक्शन में 53.57% हो गया। कांग्रेस जो जिससे बहुत ज़्यादा उत्साहित हो रही थी, एमसीडी में उसे 21.09% मिला था, और इसमें लोकसभा चुनाव में उसे 22% मिल गया, और इस असेंबली इलेक्शन में सीधे कांग्रेस धड़ाम हुई और 4.26%। इसके पहले वाले जो इलेक्शन में उसको वोट मिला था वो 9.5% के आसपास, यानी सीधे वो आधे पे आ गए। एक जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है केजरीवाल सरकार का काम, यानी कि बिजली, पानी, एजुकेशन और हेल्थ, इन चार क्षेत्रों में जो उन्होंने काम किया था उसका तो नो डाउट क्रेडिट जाता है। बट एक जो महत्वपूर्ण फैक्टर है वो ये है कि जैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब तक सपा बसपा एक साथ रही, यानी 93 को याद कीजिए, तब तक बीजेपी को ऐसा लगने लगा था कि कभी वो सत्ता में नहीं आ सकती, लिहाजा इन दोनों के बीच में दरार पैदा करो। गेस्ट हाउस कांड हुआ था और उसके बाद से सपा बसपा अलग हुई, तो अब जाकर के लोकसभा चुनाव में एक साथ आई, लेकिन वो साथ ज़्यादा नहीं निभा और हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गया, बीजेपी की गुंजाइश बढ़ गई। वही उसी तरीके का जो फैक्टर दिल्ली में भी काम कर रहा है कि यदि जब तक कांग्रेस मजबूती से दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ेगी और अपने वोट परसेंटेज को नहीं बढ़ाएगी, तब तक बीजेपी का जीतना मुश्किल हो गया है दिल्ली में। क्यों? क्योंकि अब लोकसभा चुनाव वाला जो आंकड़ा है उसमें जो है कांग्रेस को कितने 22.5% वोट मिले थे, और जो बीजेपी को वोट मिले थे वो 56% वोट मिले थे, तो और आपको जो वोट मिले थे वो 18% वोट मिले थे। तो जैसे ही कांग्रेस मजबूती से लड़ रही है जिस भी इलेक्शन में, चाहे वो एमसीडी का इलेक्शन था चाहे लोकसभा का इलेक्शन था, तो बीजेपी को बढ़त मिल जा रही है, लेकिन जैसे ही कांग्रेस कमज़ोर पड़ रही है वैसे ही बीजेपी की राह मुश्किल हो जा रही है असेंबली इलेक्शन में, ये साबित हो गया है। और एक बहुत बड़ा ये महत्वपूर्ण फैक्टर है जिस पे कि बीजेपी ऑलरेडी मंथन कर रही है। अब सवाल ये है कि इसके बाद क्या होगा। देखिए, राजनीति चलती है संदेशों से। बात चल रही है कि रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण हो। शपथ ग्रहण जब होगा तो आपको याद है मई 2018 का बेंगलुरु का शपथ ग्रहण समारोह, जिसमें कुमार स्वामी ने शपथ ग्रहण किया था और विपक्ष का वो मंच बना था। ये बात अलग है कि वो एक्सपेरिमेंट ज़्यादा दिन नहीं चला, लेकिन उसके बाद से मोदी सरकार पे वार बढ़ गए थे। और फिर जब 5 राज्यों का चुनाव हुआ तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ मोदी सरकार यानी कि बीजेपी के हाथ से निकल गया था। तो इस दिल्ली चुनाव कॉस्मोपोलिटन सिटी हो सकती है, सिटी स्टेट हो सकता है, छोटी विधानसभाएं और 70 विधानसभाएं हो सकती है, लेकिन इसका संदेश दूर दूर तक गया है। और इसके जस्ट बाद बिहार और पश्चिम बंगाल में चुनाव है। बिहार में जो है एक बार फिर से जो गठबंधन है या महागठबंधन कह लीजिए, RJD, कांग्रेस और भी जो उसमें दल शामिल है उनके साथ,
वो मजबूती से लड़ने की कोशिश करेंगे। वहाँ पे नीतीश कुमार का जो सुशासन है वो कमज़ोर पड़ा है, और ये वाला फैक्टर का थोड़ा बहुत भी असर होता है तो बीजेपी और नीतीश कुमार के लिए और एलजेपी की राह मुश्किल हो सकती है। तो एक तो ये है कि बिहार इनका मुश्किल होने जा रहा है, ये बात अलग है कि दिल्ली का जो समीकरण है वो बिहार में एग्जैक्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे जाति क्षेत्र धर्म फैक्टर काम करेगा, दिल्ली में उस तरीके से काम नहीं किया। उत्तर प्रदेश और बिहार इसी के एक्सपेरिमेंट के लिए जाने जाते हैं। पश्चिम बंगाल में क्या होने वाला है कि पश्चिम बंगाल में दूसरा फैक्टर काम करेगा, वहाँ 37% के आसपास मुस्लिम है और कांग्रेस वहाँ पर लेफ्ट की भी टीम बन गई है, बीजेपी ही उसका मुकाबला वहाँ पर कर रही है। तो यदि इस तरीके का है, इसका थोड़ा भी असर पड़ा तो बीजेपी के पास दोनों स्टेट में क्या सबसे बड़ी कमजोरी है वो ये है कि ना तो बीजेपी ने बिहार में नेतृत्व को अपने उभारा है, सुशील मोदी मिला जुला करके दिखते हैं एक वो भी उस लायक नहीं दिखते कि उनके बहुत लीडरशिप में स्पार्क हो और उनके बहुत स्वीकारिता हो। गिरिराज सिंह का नाम चलता है तो वो जो हार्डकोर माने जाते हैं बहुत ज़्यादा इस इन लीडरशिप में दम नहीं है, और यही दिक्कत बीजेपी के सामने पश्चिम बंगाल में भी, वहाँ का भी कोई ऐसा नाम नहीं है जिसको कह सके कि हम इसको आगे करके चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस बीजेपी के हार में जो तीसरा फैक्टर काम कर रहा था किसी फेस का सामने ना होना, 2013 को याद कीजिए, 2013 में हर्षवर्धन के नेतृत्व में चुनाव हुआ था, पहली बार आप जो है राजनीतिक क्षितिज पे उभरी थी, 2012 नवंबर में आपका गठन हुआ था, 2013 में जब चुनाव हुआ था तो बीजेपी को 32 आपको 28 और कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी, ठीक वो हर्षवर्धन नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हर्षवर्धन को हटाया गया 2015 में जो है आप किरण बेदी को आगे कर दिया गया, किरण बेदी खुद अपना चुनाव हार गई, 67 सीट पे आप आ गए, केजरीवाल का नेतृत्व मिला, और 2020 में फिर एक बार से बीजेपी ने गलती की कि किसी को आगे नहीं रखा, और किसी को आगे नहीं रखा तो उसका नतीजा क्या हुआ कि लगभग जो है 2015 ही रिपीट हो गया। तो बीजेपी को एक बात समझना होगा कि हरियाणा में ये आपका आपका नेतृत्व आगे था, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का चेहरा था, झारखंड में चेहरा था, लेकिन दिल्ली में क्या तो हम सामूहिक नेतृत्व में लड़ेंगे, हालांकि इसका उनके पास कोई इस्टेब्लिश फार्मूला नहीं है। तो ये बहुत सारे कारण हैं, और ये कारण जो है पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों में बीजेपी को परेशान करने वाले हैं। इसके अलावा जो है अपने एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो परेशान करने वाले हैं, वो अब अपना हिस्सा ज़्यादा ही मांगेंगे। एक बात और होने वाली है, तीन राज्यों में हार कह लीजिए, हरियाणा में भी गठबंधन की सरकार बनी, झारखंड हाथ से निकला, दिल्ली हाथ से निकली, महाराष्ट्र से सत्ता चली गई, जीत के भी आप हार गए। तो ये जो दो लोगों की जोड़ी मानी जाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की, देर सवेर अभी ही इनके खिलाफ भी आवाज़ें उठेंगी, कहाँ से, पार्टी के अंदर से भी। किस बात को ले, सीधे सीधे अटैक नहीं होगा, नीतियों को लेकर के, स्ट्रेटजी को लेकर के, जैसे कल संसद में जो है होम मिनिस्टर जो अमित शाह हैं उनको खोजा जा रहा था सरकास्टिक वे में, कौन खोज रहा था, वैसे तो विपक्ष के लोग खोज रहे थे, लेकिन पार्टी के अंदर भी खलबली है इस बात को लेकर के, मंथन हो रहा है, एक धड़ा है जो इस उसका मानना रहा है कि हर्षवर्धन को आगे किया जाना चाहिए था जो कि नहीं किया गया, यंग लीडरशिप भी नहीं उतारा गया, इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा है। तो अब देखते हैं कि आगे के लिए क्या बीजेपी रणनीति बनाती है और किस तरीके से जो है वो अपने सहयोगियों के साथ एडजस्ट करती है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।